आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ एक्स माइनस आयन अराउंड ए प्लस आयन इन सॉलिड ए एक्स इज गिवन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ एक्स माइनस इज 250 पिकोमीटर द रेडियस ऑफ ए प्लस इज। अब क्वेश्चन में जो गिवन था वो ऐसे था कि लार्जर एटम जो है वो एक्स माइनस है, इसके अंदर ए प्लस पड़ा हुआ है, सॉलिड इसने बोला ए एक्स, ठीक है, और हमें एक्स माइनस की रेडियस दी हुई है 250 पिकोमीटर और हमसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए प्लस। अब देखिए डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ध्यान से देखने पर मैं इसको डायग्राम को ऐसे बनाता हूं कि इस तरीके से तीन एटम्स को हम अरेंज कर लें और सेम ऐसे जैसे तीन एटम्स को हम अरेंज कर दें और इसको मैं इसके ऊपर रख दूं ऐसे। अगर मैं इन तीनों को उठाकर इसके ऊपर ऐसे रखूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, यानी कि ये तीन एटम आगे के और ये तीन एटम पीछे के जो बैकग्राउंड में है, ये बैकग्राउंड में। तो वास्तव में ये इसने जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इट रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड का मतलब होता है कि दिस वॉइड इज क्रिएटेड बिटवीन सिक्स एटम्स, क्रिएटेड बिटवीन सिक्स एटम्स। तो यहां पे आप ही देखिए सिक्स एटम के बीच में वॉइड कैसे बना, वन लेयर ऑफ थ्री एटम्स, अनादर लेयर ऑफ थ्री एटम्स, और इसको हम इसके ऊपर रख रहे हैं ताकि ये ऐसा दिखाई देने लग जाए, ठीक है। ये पीछे वन टू थ्री एटम की फर्स्ट लेयर और इसके ऊपर ये सेकेंड लेयर तीन एटम्स की। ये फर्स्ट लेयर इस तरीके से मान लो आप, ठीक है, और सेकेंड लेयर ये इस तरीके से मान लो। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है कि इस तरीके से मैं चार एटम यहां पे रख दूं, ठीक है, पांचवा एटम यहां ऊपर रख दूं और छठा एटम यहां नीचे रख दूं, ठीक। अगर आप ये देखो कि ऑक्टाहेड्रल कहां बनता है तो इसको मैं एफसीसी में दर्शाता हूं कैसे, ठीक है, कि एफसीसी में यहां पर अगर मैं सिर्फ फेस सेंटर एटम्स के बारे में बात करूं तो फेस सेंटर एटम जो है वो होते हैं इस तरीके से, ये चार, ठीक, वन टू थ्री फोर, ये यहां पे पांचवा और ये यहां पे छठा, ये छह एटम जहां मिलेंगे वहां बीचों बीच जो जगह होती बॉडी सेंटर, वहां बॉडी सेंटर पे वॉइड बनने वाला है और इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड इज फाउंड इन एफसीसी इन दिस मैनर, ठीक है। तो सिक्स एटम, वन टू थ्री फोर, फोर एटम्स का वन लेयर, ये पांचवा ऊपर छठा नीचे। तो इसी को मैं यहां पे इस तरीके से बता रहा हूं, कैसे फोर एटम्स की वन लेयर, इस पे ये पांचवा और ये नीचे ये छठा आ जाएगा। तो यदि मुझसे पूछा जाए कि रिलेशन एग्जैक्टली होगा क्या, तो रिलेशन निकालने के लिए हम यहां पे इसको इस तरीके से यहां कंबाइन कर दें और इस वॉइड में यहां पे मैंने एक एटम रखा हुआ है छोटा वाला। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज एक्स माइनस एटम एंड दिस इज ए प्लस एटम, दिस वन इज ए प्लस, छोटा एटम जो है ए प्लस है। डेरिवेशन के पॉइंट, अच्छा ये चार को टच कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। पांचवा एटम सेम साइज का यहां ऊपर रखा हुआ है और छठा एटम इस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि एक लेयर में चार एटम, पांचवा ऐसे और सिक्स वन ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और उसी को देखने का तरीका ही ये भी है। इसमें अपन क्या करें कि इस तरीके से दो एटम ये, दो एटम ये, फोर एटम्स की वन लेयर, इस पे ये इधर से फाइव और इधर से सिक्स, ये भी देखने का एक तरीका है। यहां आ जाते हैं, ठीक है, डेरिवेशन यदि हम करें इसकी, तो यहां से ये स्मॉल एटम की रेडियस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर मान ली यदि हमने, यहां से ये कैपिटल आर और ये एंगल होगा 45 डिग्री। इसका मतलब यहां से अगर मैं निकालूं तो कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू होगा आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। यहां से यदि आप सोल्व करोगे तो आर अपॉन आर आएगा 0.414। अब ये स्मॉल आर तो है छोटे एटम की रेडियस जिसको मैंने माना ए प्लस, और कैपिटल आर है बड़े एटम की रेडियस जिसको मैंने माना एक्स माइनस।
और ये रेशियो 0.414 है। एक्स माइनस की रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 250 पिकोमीटर, हमसे पूछा है ये चीज, सॉल्व करेंगे तो ए प्लस आएगा 0.414 टाइम्स ऑफ 250 एंड इट विल कम आउट एज 104 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके बारे में था, ऑक्टाइडल वॉइड में। ऑक्टाइडल वॉइड एफसीसी में कहां बनता है, बॉडी सेंटर में, और ऑक्टाइडल वॉइड में चार एक लेयर में, पांचवा ऊपर छठा नीचे, और रेडियस का रेशियो आता है इट इज 0.414। ठीक है, और इसको दिखाने का एक और तरीका होता है हमारे पास, तीन एटम की ये पहली लेयर और तीन एटम की ये दूसरी लेयर, जिसको मैंने यहां पे इस तरीके से दिखाया है।